हमारे साथ सुरेंद्र यादव हैं, लंबे समय के बाद काफी सातवीं बार आप जीते थे, आठवीं बार विधायक और सांसद रहने के बाद अब मंत्री पद मिला है, काफी विलंब नहीं हुआ इसमें, देरी से मिला? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में बहुत महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है, बहुत सत्य निष्ठा से जो लोग कसम खाते हैं उससे निभा दे ये अच्छी बात है। क्या कारण रहा देरी का? क्या ये भी कारण है कि आपराधिक मामले होने की वजह से नहीं हो पा रहा था पहले? तो जब भी जब सरकार बना है तो सरकार में मंत्री बने हैं, जब भी सरकार बना तो मैं मंत्री बना, 2000 में हमारा तो गैपिंग हुआ नहीं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, फिर बीच में लोक लेखा समिति के सभापति बन गए, हमारा तो गैपिंग नहीं रहा, हमारा तो कंटिन्यू रहा, हाँ कंटिन्यू रहा। महागठबंधन की पिछली सरकार बनी थी उसमें नहीं बना? महागठबंधन के जब पिछली सरकार बनी थी तो उसमें हम काफी अस्वस्थ थे, उस समय हम भर्ती थे दिल्ली में फोर्टिज हॉस्पिटल में, जीवन मौत से खेल रहे थे। तो अभी क्या विभाग आपको? तो विभाग की जानकारी नहीं है, लेटर मिला है, खोले नहीं है। मिल गया? हाँ मिल गया, बताइए ना, दिखाइए ना, अभी ना खोले गए, हम कैमरा पर दिखा दीजिए, बहुत बहुत बधाई। देखो सत्य निष्ठा गोपनीय के रखने कसम खा के आगे कैसे भाई, अब बताइएगा ना। तो ये हम कह रहे थे कि अभी आप पर कोई केस है क्या? ना, सब केस खत्म, केस चल रहा आचार संहिता के। अच्छा, केस वही आचार संहिता वाला। तब तो आप बेदाग हैं अभी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इसी के लिए जाने जाते हैं, भाई जिस पर कोई आपराधिक मामला है उसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, क्या कहिएगा? यही ना, आप बोल ही रहे थे, हम उसको बात को कहाँ काट रहे हैं। तो ये विभाग नहीं दिखाइएगा आप? अभी उसको पैक है। अच्छा, पैक है तो पैक है, गेस करिए ना क्या मिलता है? ना गेस करें, कुछ नहीं, जो मिला सर आंखों पर, सबको मिल गया है सबको। तो चलिए, तो ये थे सुरेंद्र यादव जो कि मंत्री बन गए हैं, इनको विभाग भी मिल गया है, लेकिन अभी विभाग का जो लेटर है उन्होंने खोला नहीं है, थोड़ी देर में वो भी खुल जाएगा। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभाग भी बट गए हैं, एक और सबसे बड़ी बात कि एक नई शुरुआत है बिहार में, उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छी शुरुआत होगी। बीच में जिस तरीके से उठापटक और गठबंधन बदलने की बात हुई है, उस तरीके की बात फिर आगे ना हो।